लेटर वर्ड में। नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं जूस। जूस की स्पेलिंग ऐसे लिखना होगा, मतलब डायरेक्टली हम जूस कहते हैं तो जूस जो लिखते हैं तो जी जे जो है रहेगा, जी से नहीं रहेगा प्रोनाउंसिएशन। जैसे जॉर्ज जो आता है जॉर्ज, तो कभी जो से प्रोनाउंसिएशन होता है जी, लेकिन जो जो जी आता है तो कभी ज और कभी ग में इस्तेमाल होगा, लेकिन जो जे है तो वह जूट जूस इस तरह से अलग अलग ऐसे प्रोनाउंसिएशन। तो इसको याद रखना कि जे से लिखना है और जे यू आई सी ई जूस इस तरह। तब फ्रूट जूस वगैरह ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि फ्रूट फ्रूट और जूस मिलाकर हो गया फ्रूट जूस, मैंगो जूस इस तरह से अलग अलग। तो ये जूस में इसका मतलब क्या होता है, जूस मतलब एक हिसाब से रस हो जाएगा रस। अब जूस पर हम कैसे सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जूस पर सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल करेंगे, तो बनाइए आप। I want chocolate juice, chocolate juice. जैसे मिसाल के तौर पे हम पूछते हैं चाय या कॉफी लेने में, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, या फिर ऐसा पूछते हैं कि वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि वुड यू लाइक अ फ्रूट जूस, कि क्या आपको एक फ्रूट जूस लेना पसंद करेंगे। कुक द मीट इन इट्स ओन जूस, के खाना उसके खुद के जूस में। अब जैसे कि जूस मतलब रस हमने देखा है, तब इसमें मीट यानी कि क्या देखा था हमने इससे पहले, गोश्त। तो कुक द मीट, ये गोश्त को उसके अपने जूस में मतलब पकाओ इस तरह। एड द जूस ऑफ अ लेमन, अब लेमन जूस जैसा आता है, तब ऐसा नहीं है कि जूस मतलब सिर्फ दूध डालकर ही बनाया, तो रस मतलब ऐसा आ रहा, तो लेमन जूस जैसा हम कहते हैं। अब लेमन जूस में तो कोई ऐसा दूध मिलाकर मिक्सचर नहीं होता है, तो डायरेक्टली क्या होता है कि उसका रस टाइप में के लीमू जूस, तो लेमन जूस इस तरह से हम कह सकते हैं। नींबू पानी हम उसको जैसे उर्दू में कहते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे कहते हैं। तो एट द जूस ऑफ टू लेमन्स, टू लेमन्स का जूस यानी उसका रस अगर कहना है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि जूस तो हम मतलब एप्पल जूस या फिर बनाना जूस इस तरह से कह रहे थे, जिसमें हम उसको मिक्स करके मिक्सर में बनाकर पी रहे थे। तो जब आप लेमन के ड्रॉप्स आप कहना चाह रहे हैं, लेमन ड्रॉप्स, तो आपको क्या लगेगा कि मैं लेमन ड्रॉप कहूँ या लेमन वाटर कहूँ, क्या कह दूँ। तो रस जब कहेंगे तो मैंगो जूस, लेमन जूस, एड द जूस ऑफ टू लेमन, तो लेमन का जो क्या कहेंगे उसको, नींबू निचोड़ना, तो उसका जो रस रहेगा, अर्क वगैरह जैसे बहुत सारे कहते हैं, जैसे प्याज का भी अर्क होता है, अनियन का अर्क, तो अलग अलग नाम हम उसको उर्दू में तो दे देते, लेकिन आप उसको कह सकते हैं एट द जूस ऑफ टू लेमन्स, जूस वन ऑरेंज एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ऑरेंज को जूस कीजिए। एड द ऑलिव ऑयल एंड लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर एंड मिर्च इन योर हैंड्स, इन अनदर बाउल टेस्ट द जूस ऑफ लेमन एंड लाइम्स, तो लाइम वगैरह उसके पत्ते आते हैं लाइम्स, तब लेमन एक अलग चीज होगी। अब लाइम मतलब क्या होता है, लाइम्स, लाइम एक तरह का एक फ्रूट होता है जो कि लेमन कह दिया जाए डायरेक्टली, तो डिफरेंस क्या रहेगा, लाइम भी लीमू को ही कहते हैं, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है कि सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टा जो फ्रूट है सिमिलर है न्यूट्रिशनली, लेकिन दोनों में कुछ चीजें टेस्ट साइज शेप और कलर में आता है। लेमन क्या होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब लीमू जो होते हैं बड़े होते हैं लाइम से, यानी कि मतलब जो हरे कलर के नींबू रहेंगे तो वो थोड़े छोटे दिखते दिखे साइज में, और जो पका हुआ जो नींबू होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, येलो कलर में होता है। लाइम्स आर यूजुअली राउंड, और लेमन क्या होते हैं ओवल शेप, लाइम्स ग्रीन होते हैं और लेमन क्या होते हैं ब्राइट येलो होते हैं। तो ये दोनों का, तो लाइम लाइम हम बहुत सारी जगह दिखते हैं, लिमका लिख कर आता है, अलग अलग चीजें आते हैं, तो
लाइम्स और लेमन में ये फर्क होता है। तो आप कभी कभार ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइम एंड लेमन, कभी ऐसा आता है, तो दोनों एक चीज है, लेकिन ये नींबू जो है तो पके हुए रसीले जो है तो डायरेक्टली येलो कलर में लेमन हो जाएगा, और लाइम मतलब जो हरे कलर में रहते हैं नींबू उसे कहेंगे अकार्ड। फिर उसी तरह से हम कहेंगे कैरेट जूस इज रेदर देन रेदर नाइस, कि कैरेट जूस जो है तो थोड़ा सा अच्छा है। द बॉय एंजॉयड अ कार्टन ऑफ एप्पल जूस, तो ऐसे कह सकते हैं एप्पल जूस, ग्लास ऑफ एप्पल जूस, यू मे अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस, आप ये कह सकते हैं। फ्रूट जूसेस, फिर जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है तो इस पर आप ऐसे बना सकेंगे। तो अलग अलग और क्या जूस होते हैं, जैसे कि आंवला जूस, ऑरेंज जूस, फिर अच्छा उसी तरह से हाँ पोमेग्रेनेट जूस, पोमेग्रेनेट जूस और पाइनएप्पल जूस, क्रैनबेरी, एप्पल जूस, वाटरमेलन जूस, तो ब्लैक ग्रेप जूस, ये सारे अलग अलग नाम आप उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। अब जो अनार रहेगा तो अनार को हम क्या कहते हैं, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तो मतलब अगर उसमें अगर देखा जाए अमेरिकन, तो अमेरिकन में पामोग्रेनेट ऐसे कहेंगे पामोग्रेनेट, और इंडियन में भी पामोग्रेनेट ऐसे कहते हैं, पा लग जाता है। और जब ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो पोमीग्रेनेट, तो डायरेक्टली जो कि इस तरह लिखा होगा ये आपको शो करते अनार के लिए नाम जो आए। ये देखिए इसके नीचे, तो इसको कहा जाएगा अनार, तो पोमीग्रेनेट ये ब्रिटिश में, और मतलब ये भी सही अगर कोई कह रहा है तो पोमीग्रेनेट, और अमेरिकन में सही ज्यादा रहेगा, अमेरिका और इंडियन में पामोग्रेनेट ऐसे कहा जाएगा, तो इसको पो नहीं पा पढ़ा जाएगा, पामोग्रेनेट ऐसे। तो जो कि इसमें नीचे लिखकर आपको बताते हैं कि उसको अदा कैसे करनी, यस पामो ग्रेनाइट, ये कहकर आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो गया। और मस्क मेलन कहते हैं किसको, खरबूजे, वाटरमेलन, तरबूज को ऐसे। तो इसके जूस के तौर पर अगर बात की तो ये हमने देखा कि इन चीजों को हम इस तरह से नाम दे सकेंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते, ये हो गया जूस का। अब जूस है, लेमन की बात आई, तो अभी यहाँ पर 5 लीटर में हम लेंगे नाइफ, नाइफ ऐसे लिखेंगे आप और उसके आगे ई लगाएंगे, जैसा वाइफ में डब्ल्यू आता है। तो याद रखने के लिए क्या करना है कि वो 4 लेटर वर्ड में है और नाइफ में के साइलेंट रहे, तो जब भी आप चाकू छुरी जो लिखना चाहेंगे तो नाइफ जो रहेगा तो वो चाकू ऐसा। और उसी तरह से चाकू के अलावा मतलब यहाँ पर छुरी वगैरह आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे। तो ये नाइफ के लिए इस्तेमाल हो, नाइफ मतलब क्या हो जाएगा चाकू ये छुरी, और उसका 5 लीटर वर्ड से याद हो। तो ये हो गया नाइफ का। अब इसके ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाकर बताना है नाइफ पर, तो आप कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस। देखते हैं हम, पास में योर नाइफ एंड पास में योर नाइफ, तुम्हारा जो है तो छुरी पास करो, मतलब कुछ कट कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं। ही ड्रेव अ हंटिंग नाइफ एंड स्टैब्ड द वाइल्ड बोर इन द बेली यूजिंग अ शार्प नाइफ, पील कोर एंड स्लाइस द एप्पल्स इन टू थिन वेजेस, कि एक तेज छुरी से जो है तो मतलब पील कीजिए, मतलब छिलका निकालने को क्या कहेंगे पीलिंग, इस तरह कोर एंड स्लाइस, कि उसको चॉप करना, मतलब पूरा उसको वो कर देना, चॉपिंग अगर कहा जाए तो मतलब उसको बिल्कुल
क्या करना, टुकड़े टुकड़े करना, उसको चॉपिंग में आ जाता है, तो ये सब नाम है। स्लाइस करना मतलब उसको कट करना, मतलब स्लाइस वे क्या करना उसके, हाँ पीसेस करना वैसे, और क्या कहते हैं उसको, इस तरह से अलग अलग करना, स्लाइसिंग वे। तो ऐसे कह सकते हैं आप, ही वॉज इक्विप्ड विथ नथिंग बट अ डॉग एंड अ हंटिंग नाइफ, एक शिकारी चाकू, अब यहाँ पर चाकू हो गया, मैं यहाँ छुरी नहीं, कि वो क्या था कि उसके साथ कुछ भी नहीं था लेकिन एक कुत्ता था और एक हंटिंग नाइफ, मतलब जब कोई शिकार पर निकला तो एक सेफ्टी के लिए एक कुत्ता रख लिया, कुछ सूंघने सुराग वगैरह या फिर कोई चीज, और एक हंटिंग नाइफ के शिकार के लिए एक चाकू, कि मतलब उसके साथ में कोई दूसरा औजार नहीं था लेकिन एक डॉग और एक चाकू था जो उसकी खुद की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। आई डोंट हैव टू रोम द कंट्री साइड विद द हंटिंग नाइफ फॉर आवर डिनर, तो ये भी हंटिंग नाइफ का मतलब ही होगा, शिकारी चाकू, इस तरह से कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, इस हिसाब से डिनर के लिए हमारे हंटिंग नाइफ लेकर, टेक योर शार्पेस्ट सीरेटेड ब्रेड नेफ नाइफ एंड कट द स्टिक इन हाफ अक्रॉस द मिडल, कि नाइफ से कट कर दो, ही पुल्ड अ नाइफ ऑन मी एंड थ्रेटन्ड टू स्टैब मी विथ इट, कि उसने क्या किया, एक चाकू फेंका मेरी तरफ और मुझे कोशिश की मतलब मुझे यानी डराने करने की, इस तरह ईच डिनर गेस्ट गेट्स टू फॉक्स अ नाइफ एंड अ स्पून, कि हर गेस्ट को क्या मिलेगा कि मतलब चाकू छुरी और जो भी स्पून मिलेगा, इस तरह से अ टूल और वेपन को कहा जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं, तो क्या क्या आते हैं अलग अलग नाइफ के, क्या क्या काम है, कटिंग करना, तो एक कटिंग हो गया, चॉपिंग जिससे वो अलग अलग बारीक पीस कराने में आएगा, डाइसिंग भी कहते हैं, डाइसिंग एक चीज होती है, DICING, तो डाइसिंग का मतलब क्या होता है, डाइसन उसको कह सकते हैं डायरेक्टली आप प्रोनाउंसिएशन करने में, लेकिन इस तरह लिखा होगा कि जो आपको लिख कर नीचे बता देंगे, यस, तो इसको क्या कहा जाएगा, डाइसिंग, ये देखिए इस तरह, तो डाइसिंग का मतलब क्या होता है कि कट करना स्मॉल क्यूब्स की शक्ल में, जैसे कि डाइस करना पेपर को, तो क्यूब्स स्मॉल क्यूब्स की शक्ल में बनाना, तो उसको कहते हैं डाइसिंग, मतलब छोटे छोटे पीस करके एकदम से जैसे करते हैं सेब हो गया, बहुत बारीक पीस जो बनाते हैं तो वो होता है डाइसिंग एंड क्यूबिंग, तो उसके प्रोसेस को नाम कहते हैं डाइसिंग एंड क्यूबिंग। जैसे प्याज है तो प्याज के बहुत बारीक बारीक यानी के क्या कहते हैं उसको, सलाद वगैरह बनाने में जैसे करते हैं, तो जैसा डाइस अगर आपने देखा है, डाइस जिससे गेम खेलते हैं, तो डाइस में क्या होता है, डाइस जैसा होता है चौकोन वे में, तो चौकोन वे में इस तरह से सलाद वगैरह टाइप में बनाना, तो उसको डाइसिंग एंड क्यूबिंग वे कह सकते हैं। और जो चॉपिंग होता है, तो चॉप करना मतलब क्या होता है, बिल्कुल इतना बारीक पीस लेना कि वो कोई डाइस वे में ना बने, मतलब बहुत बारीक पीस, तो ये दो चीज होती है चॉप करने में डाइस करने में, इस तरह से। उसी तरह से और क्या कर सकते हैं नाइफ की मदद से, स्लाइसिंग, अब स्लाइस मतलब क्या होता है कि उसको एक कट करते चलना, मतलब स्लाइसिंग वे में उसके टुकड़े बनाना, जैसे कि अब मैंगो है, मैंगो का स्लाइसिंग, तो हम क्या करते हैं मैंगो के पीसेस, जैसा खीरा हो गया, क्यूकम्बर ऐसा उसको कहा जाता है, गाजर हो गया, तो गाजर को जैसे क्या करते, तो उसको स्लाइस मतलब एक कट करते हैं, स्लाइस एंड डाइस के प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं अलग अलग, जैसे कि अब केक आता है अलग अलग, तो उसमें भी स्लाइसिंग वे में उसको कट करते हैं। अब उसी तरह से क्या आता है, एक और टर्म आता है नाइफ की मदद से कट करने में जो इस्तेमाल होंगे, जिसका मतलब होता है देखिए मिंस कहते हैं उसको, वो ऐसे लिखा जाएगा, हाँ इसमें ऑब्लिक डालकर ये लिख कर देते हैं मिंसिंग, इसको कहेंगे मिंसिंग। इसमें क्या होता है कि खीमा बनाना, काट कर टुकड़े करना, तो आप उसको
बनाने या काटकर टुकड़े करने को भी ये कह सकते हैं मिन्सिंग। चॉप मिन्स और डाइस, चॉप करना, मिन्स करना, डाइस करना, ये अलग अलग चीजें होती है, तो उसको कहा जाएगा मिन्सिंग। तो ये नाम आपको लिख लेना है, मिनसंग भी आप उसको कह सकते हैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, तो मिनसंग उसको हम आपको बताते कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मिनसिंग। मिनसिंग इस तरह से मिनसिंग, तो डाइसिंग मिनसिंग ये आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं नाइफ से, पीलिंग, पील करना मतलब क्या होता है, हाँ तो उसको छीलने को कहेंगे पील करना, मतलब कोई भी अगर वेजिटेबल वगैरह है, कभी कभार ये पील करना मतलब ड्राई पीलिंग स्किन में भी आता है, मतलब ब्यूटी के टेक्निक में आता है केमिकल पीलिंग, कि जिसमें मतलब मास्क वे में लगाकर एक पील किया जाता है, कोल्ड पीलिंग, अलग अलग किस्म के जो पीलिंग आते हैं, कभी कभार हाथों से क्या होता है पीलिंग ऑन स्किन, पीलिंग स्किन ऑन हैंड, मतलब जैसे हाथों के जो छिलटे निकलते हैं, तो हम कह सकते हैं पीलिंग स्किन, तो ये कह सकते हैं, तो पील कर लेना मतलब ये चीजों में आता है। और पीलिंग वेजिटेबल या फ्रूट्स अगर हम कह दें, तो जैसे कि अगर आप सेब हो गया, तो उसका बाहर से पूरा छिलका निकाल रहे हैं नाइफ की मदद से, या फिर ऑरेंज है उसको बाहर से छिलका निकाल रहे हैं, खीरा है उसको पील कर रहे हैं, तो पील करने की मदद से मुराद ये सारा आ जाएगा, गाजर का, उसका, अलग अलग फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स वेजिटेबल और स्किन पीलिंग भी होती है। सेपरेटिंग होता है नाइफ से, तो सेपरेटिंग मतलब अलहदा करना, एंड अदर किचन टास्क के अंदर ही इस्तेमाल होता है, तो आप इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं नाइफ की मदद से। आप नाइफ के अलावा में हम देखते हैं अगला, जो कि है लार्ज। लार्ज मतलब क्या होता है, एक हिसाब से बड़ा, कभी कभार क्वांटिटी में आता है कि लार्ज क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी, तो लार्ज हमें लिखेंगे, लार्ज मतलब होता है बड़ा। अब लार्ज के हिसाब से, अब देखिए आप कभी कभार कपड़े खरीदने आते हैं, तो वहां पर लिख कर आता है लार्ज या एक्सेल, तो एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे मीडियम, एम से, एस स्मॉल से, एक तो उसमें भी आता है लार्ज। और बातों में कैसे इस्तेमाल होगा सेंटेंस, द जैकेट इज टू लार्ज फॉर हिम, जैकेट बहुत बड़ा था उसके लिए, एड अ लार्ज क्लॉव ऑफ गार्लिक, एक बड़ा एक हाथ पे गार्लिक का डालिए, मतलब ही केम इन कैरिंग अ लार्ज केस, एक उसका बड़ा के लार्ज केस था, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देम स्मोक, कि उसमें से बहुत ज्यादा एक बड़ा समूह जो है तो स्मोकिंग करता है, द जम्पर कम्स इन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइजेस, कि जम्पर कैसे आते हैं स्मॉल मीडियम और लार्ज साइजेस में आते हैं, ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसकी बड़ी फैमिली है, दे सर्व्ड वेरी लार्ज पोर्शंस, दे वन बाय अ लार्ज मेजोरिटी, अ रिलेटिवली लार्ज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द क्लब, एक बड़ी संख्या में एक अमाउंट चाहिए था मेंबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली क्लब से, हेंस वी शुड ट्रीट हिम इंस्टेड विथ लार्ज रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट एजेंट, इस तरह, दैट ओल्ड मैन कॉट अ लार्ज फिश, के उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी मछली पकड़ा, आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस विद अ लार्ज किचन, मैं घर देख रहा हूँ जिसमें लार्ज किचन हो, दीज आर यूज टू बी लार्ज पार्क हियर, डू यू हैव लार्जर साइज, ऐसे हम कर सकते इस्तेमाल लार्ज का। आई नेवर एक्सपेक्टेड हर टू कम टू द पार्टी, बट देयर शी वॉज अ लार्ज एस लाइफ, के मतलब वहां पर वो थी, ऐसा नहीं लगता था कि वो आएगा, ऐसे चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पॉलिसीज आर सपोर्टेड बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज एपेटाइट, बड़ी भूख, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लार्ज, तो आपको लार्ज का इस्तेमाल करना है। लार्ज हाउस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, लार्जर कार, तो आप उस पर सुपरलेटिव डिग्रीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज, लार्जेस्ट उसका बहुत थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म क्या, लार्जर, लार्ज, लार्जर थोड़ा बड़ा, और लार्जेस्ट यानी सबसे, तो मतलब अच्छा खासा बड़ा में आ जाएंगे, तो ये चीजें आ जाती है इसमें।
तो ये लार्ज का हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइट। तो नाइट जैसे हम लिखते हैं तो वैसे लाइट लिखते हैं, लाइट मतलब क्या होगी, रोशनी। या फिर दूसरा टर्म क्या आता है, हल्का, जैसा लाइट वेट, तब रोशनी वाला वेट नहीं आएगा, यानी कि कम वेट, कम वजनी, हल्का, तो इसमें आ जाएगा लाइट, लाइट कलर आता है। और सनलाइट आ गया अगर तो सूरज की रोशनी, तो अब लाइट को कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लाइट पर, इट्स स्टिल लाइट, ये अब तक जो है तो थोड़ा हल्का ही है। हैव यू गॉट अ लाइट, क्या तुम्हारे पास लाइट है, आ गई, मतलब पा लिया, जैसे हमने देखा था गॉट मतलब पा लेना। हैव यू गॉट अ लाइट, क्या तुम्हें लाइट मिल गई, या फिर लाइट आ गई तुम्हारी, ऐसे भी कह सकते हैं। हर आईज वर लाइट ब्लू, उसकी आंखें थोड़े कम ब्लू है, लाइट ब्लू। स्टिक टू अ लाइट डाइट, लाइट डाइट का इस्तेमाल करो। द लाइट ऑफ द सन, के सन की जो है तो रोशनी। ही आस्क मी फॉर अ लाइट, कि उसने मुझे लाइट के लिए पूछा। अ लाइट केम ऑन इन हिज रूम, के उसके कमरे में आई। अ लाइट केम ऑन इन, देखो एक साथ दो चीजें इस्तेमाल हो रही, ऑन इन हिज रूम, के पड़ी उसके कमरे में, केम ऑन इन हिज रूम, केम इन हिज रूम मतलब ऐसा चलकर आई, लाइट केम ऑन, तो मतलब केम ऑन मतलब पड़ी, ऐसे में आ जा रहे थे। वी पुट अ लाइट टू द वुड, हमने एक लाइट जो है तो, अब कभी लाइट से जैसा लाइटर तो आग लगाने में भी आता है कभी बार, लाइटर, इग्निशन वगैरह। वी पुट अ लाइट टू द वुड, कि हमने मतलब यानी लकड़ी पर रोशनी डाली, ये नहीं रहना ना, हल्का किया लकड़ी को, ऐसा नहीं, तो हमने मतलब लकड़ी को मतलब एक आग लगाई, तो लाइट मतलब छोटी सी एक चिंगारी वगैरह जो रहती है, हल्की सी आग, उसमें भी आ जाते हैं कभी। आई विल लाइट यू डाउन टू द गेट, पुट द लाइट ऑन सो वी कैन सी, के पुट द लाइट ऑन, के लाइट को ऑन कर दो ताकि हम देख सकें, तो इसमें भी आता है रोशनी। ले लाइट ऐसे भी आ जाता है, तो अलग अलग, जैसे लाइट यू डाउन। कर्टन शट आउट मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट, कि कर्टन जो है तो शट आउट हो रहे थे, लाइट जो स्ट्रीट से आ रही थी। मून कास्ट अ व्हाइट लाइट इनटू द रूम, मून लाइट ऐसे आता है, डिम लाइट आता है, येलो लाइट आती है, मच लाइट इन हर, तो ये चीजें लाइट में आती है, एग्जाम्पल्स। तो ये क्या हो जाएगा, रोशनी, लाइट मतलब। अब इसके बाद क्या, लीव, लीव मतलब होता है छोड़ देने में, एक होता है छुट्टी में भी आता है कभी कभार, जैसे लीविंग सर्टिफिकेट, और आई एम ऑन लीव, तो यहाँ पर छुट्टी के लिए भी इस्तेमाल ये आ सकता है, लीव। लीव में हाँ, लीव लीव हिम टू स्लीप, मतलब उसको छोड़ दो सोने के लिए। आई टुक 3 डेज लीव, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब यहाँ ऊपर क्या आता है कि छोड़ दो, पहले जो देखे हमने, दूसरा क्या है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। वेयर डज दैट लीव मी, उसने मुझे कहाँ छोड़ा। आई विल लीव यू टू इट, मैं तुम्हें इस पर छोड़ देता हूँ। आई विल बी ऑन लीव नेक्स्ट वीक, मैं लीव पर हूँ अगले हफ्ते। फिर उसी तरह से आप कह सकते हैं कि आमिर वॉज होम ऑन लीव, कि आमिर घर पर था लीव पर। वॉट टाइम डू यू लीव फॉर वर्क, कि तुम कब जो है तो वर्क से आते हो, या फिर छुट्टी कब लेते हो। बाई यूर लीव इट बी होप्स मी टू गो, ही विल लीव, ही टुक लीव, चल वी लीव, ऐसे हम लग सकते हैं कि क्या हम चले, शैल वी लीव, मे आई लीव, आई विल बी लीविंग एट 5 o'clock टुमारो, कि मैं मतलब कल आने वाले कल में मैं निकल रहा हूँ 5 o'clock को। ही लेफ्ट द हाउस, अब लीव से लेफ्ट उसने छोड़ दिया,
ही लेफ्ट द हाउस बाय द बैक डोर, वो पिछले दरवाजे से चला गया। शी लेफ्ट द ग्रुप ऑफ पीपल, उसने ग्रुप ऑफ पीपल को छोड़ दिया। शी वॉज विथ एंड केम ओवर टू स्पीक टू अस। द बस लीव्स इन 5 मिनट्स, बस जो है तो निकल जाएंगी, निकलने भी आएगा कि लीव्स इन 5 मिनट्स, निकलेंगे 5 मिनट से। ही टू कैन अनपेड लीव फ्रॉम वर्क, अनपेड लीव पर गया वो, तब उसका पे नहीं किया गया था। ही डिसाइडेड द टाइम हैड कम टू टेक लीव। अब पेड लीव मतलब जिसके पैसे भी मिलेंगे और छुट्टी भी नहीं, तो पेड लीव, आई एम अनपेड लीव, अनपेड लीव इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आई यूजली लीव होम एट 7:30 AM, कि मैं आमतौर से घर से निकल जाता हूँ, तो निकलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर छोड़ देना, मतलब वो आप हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहे, तो इसलिए वो निकल जाता हूँ। आई यूजली लीव होम, आमतौर से मैं 7:30 बजे निकल जाता हूँ। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 15 टू लुक फॉर अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, उसने अब घर छोड़ दिया, यहाँ पर आएगा। ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में, टू लुक फॉर अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब पाने के लिए। तो ये आ जाएगा लीव के ऊपर। अब लीव के बाद में अगर हम बात करें मैंगो, तब जैसे मैंगो से हमने मैंगो जूस वगैरह किया था, अब मैंगो मतलब ये फल हो गया, मतलब फ्रूट्स का बादशाह में, और ये हो जाएगा आम। I like me. तो हाँ, आई लाइक मैंगोज, उसी तरह से माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, और आप ये कह सकते हैं मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स ऐसे। आर मैंगो ट्री गॉट हिट बाय द कोल्ड एंड द आउटसाइड ब्रांचेस आर ब्राउन एंड लीव आर फॉलोइंग, पील स्टोन एंड डाइस द मैंगो, पील स्टोन एंड डाइस द मैंगो, के मैंगो को कट करो वगैरह जो बोलते हैं, पील छीलो, स्टोन करो और डाइस करो मैंगो। मैंगो इज टेस्टी फ्रूट एंड एवरी वन लव्स इट्स जूसी एंड लिप स्मैकिंग फ्लेवर। मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट बिकॉज इट हैज अ स्वीट एंड रिफ्रेशिंग फ्लेवर। देर आर कुक्ड ट्रॉपिकल फ्रूट नोट्स ऑफ बनाना एंड अ बिट ऑफ मैंगो। मैंगोस आर द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, कि मैंगो क्या है, नेशनल फ्रूट भी है इंडिया का। मैंगोस आर ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट, कि उसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है। मैंगोस आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, अनरिप मैंगोस एंड ग्रीन इन कलर व्हाइल राइप वन आर येलो ग्रीन। तो अब इसमें एक काम आ रहा है, देखिए, एक हमने पील का देखा था, मतलब छील, तो कैसे है कि अनराइप मैंगोज जो होते हैं, मतलब मैंगोज जो होते हैं आम, तो वो होते हैं अनराइप मैंगोज, तो अनराइप कहा जाएगा कि इसको कच्चा, तो कच्चा आम। तो अनराइप मैंगोज आर ग्रीन इन कलर, कि वो क्या होते हैं, हरे होते हैं कलर में, वाइल राइप राइप वंस आर येलो ग्रीन, और जबकि राइप वंस जो होते हैं पके हुए होना, तो पके हुए को कहेंगे राइप, तो वो येलो ग्रीन होते। अनराइप मैंगोज क्या होते हैं, टैंगी टू टेस्ट। तो अब इसका मतलब क्या होगा, टैंगी मतलब जो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया, अनराइप मैंगोज आर टैंगी टू टेस्ट, तो टैंगी मतलब होता है कि टैंगी होना, यानी कि ऐसा टेस्ट जो कि नींबू की तरह खट्टा टेस्ट, और खट्टे को हम सावर कहते हैं, सावर कैंडी जैसी आती, लिखने में वो बहुत सारे उसको सोर पढ़ते हैं, SOUR सोर, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सावर रहता है, तो सावर कैंडी या फिर सावर टेस्ट या नींबू की तरह खट्टा। और टेस्ट को हम क्या कहेंगे, मसालेदार चटपटा या थोड़ा तीखा टेस्ट, वो स्पाइसी हो जाए। और टैंगी टेस्ट मतलब जो होगा, तो यानी कि कच्चे आम का टेस्ट कैसा आता है, कच्ची कैरी का या फिर लींबू का, तो खट्टे में, तो टैंगी टेस्ट। वाइल्ड रैप मैंगोज आर स्वीट, जबकि पके हुए आम जो है तो मीठे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड ईच टेस्ट वेरी डिफरेंट, और हर एक का टेस्ट अलग अलग है। फिर आप कैसे कह सकते हैं, मैंगो इज माई फ्रूट फेवरेट फ्रूट, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट बिकॉज इट हैज अ स्वीट एंड रिफ्रेशिंग फ्लेवर, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर उसी तरह से अलग अलग और बना सकते हैं, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद अब मैंगो तक ये खत्म हुआ, अब उसके बाद में माउस, माउस मतलब एक तो कंप्यूटर का एक माउस होता है और एक होता है चूहा। आप माउस को और क्या क्या आता है, मिसाल के तौर पर
माउस को रेड, जो कि हमने 3 लेटर मैंने देखे थे, रेड रेड भी मतलब चूहा होता है, तो अब इसको अलग अलग नाम क्यों दिए जा रहे हैं? और क्या आ सकता है? माइस भी बोलते हैं माउस को, माइस और क्या कहते हैं? तो डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस पहले क्या आता है, डिफरेंस बड़ा बिटवीन माउस माइस एंड रेड, और किसी को अगर याद आए तो वो कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। माइस और रेड जो दोनों भी क्या होते हैं, दोनों भी चूहे, लेकिन क्या है कि उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर रेड जो होते हैं लार्जर होते हैं, थोड़े वजनी होते हैं माइस से, तो उसको हम क्या कह देंगे कि रेड जो है, तो माइस किसकी जमा हो गई, माउस की जमा हो एक हिसाब से, तो वो प्लूरल में आ गया एक तो, और रेड्स जो हो गया तो रेड की जमा में। और एवरेज अडल्ट रेड का वेट क्या होता है? अच्छा खासा बड़ा होता है, और माउस मतलब एक छोटे चूहे को कह सकते हैं। तो ये चीज आती है दोनों में। ईयर अगर कानों की बात करें तो बड़े जो माइज होते हैं तो उनको बड़े कान होते हैं यंग रैट्स से ज्यादा, छोटे जो रैट होते हैं छोटे चूहे उनसे बड़े कान माइज में होते हैं। तो अलग अलग किस्म आती है, तो हमें याद क्या रखना है कि हम रैट जो होते हैं तो थोड़े बड़े होते हैं और माउजेस जो है तो थोड़े छोटे होते हैं, इस तरह से। तो माउस रेड इस तरह से आता है, मिसाल के तौर पर रेड का केक आता है रेड के लिए, और माउस मतलब जो छोटा सा एक चूहा घूमता दिखेगा, बड़ा चूहा है तो रेड। तो रेस वर्सेस माउस में ये फर्क रहे माउस, और माउस की जमा में फिर वो माइस हो जाता है। ये याद रखना है आपको, जो कंफ्यूजन होता है माउस माइस रेड में इस तरह। और कुछ नाम याद आ जाए तो आप मतलब बता सकते हैं, और फिलहाल तो ये दो नाम आते हैं। अब इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। ऐसे इस्तेमाल करेंगे माउस पर सेंटेंसेस। अब अगर कंप्यूटर का माउस है तो लेफ्ट माउस बटन प्रेस, प्लीज प्रेस लेफ्ट क्लिक फ्रॉम, हाँ फ्रॉम द माउस, इस तरह से। यू हैव टू क्लिक द कंप्यूटर माउस व्हेन यू स्पॉट वन, क्या आपको क्लिक करना होगा कंप्यूटर का माउस जब आपको दिख जाए। यूज द माउस टू मूव द फिंगर्स अराउंड, ये सारे के किसमें हो गए कि चलाने वाले माउस के अंदर हो जाएगा। कॉपी द फाइल विद अ क्लिक ऑफ माउस, ऐसे में इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये बात भी है कि जो कंप्यूटर का माउस जो है तो उसको माउस ही क्यों कहेंगे, उसके पीछे रीजन। कॉर्ड जो अटैच होता है तो एक हिसाब से क्या है, दुम की तरह दिखता है कॉमन माउस के तौर पर, तो उन्होंने क्या कर दिया उसको, एक जैसा दुम दिख रही है और माउस की तरह है, तो नाम उसको एक तरह से माउस रख दिया गया, क्योंकि वायर जो है तो एक हिसाब से टेल यूजर के रिस्क के हिसाब से आता है, इसलिए माउस का वायर जो होता है इस हिसाब से, तो उसका नाम वो माउस इस तरह से पड़ गया। और उसके कोई स्टोरीज आप निकाल सकते हैं कि क्यों निकाले उन्होंने माउस, तो ये इसका हो गया माउस एंड रेड्स। अब अगर रेड के ऊपर अगर आपको सेंटेंसेस बनाना है या माइस पर बनाना है तो वो सेंटेंसेस कैसे आप बनाएंगे? माइस पर अगर आप बनाते हैं तो वन ऑफ द माइस अपीयर टू बी डेड एंड द अदर अलाइव, कि एक माइस जो है तो एक चूहा दिखा टू बी डेड। अब देखिए यहाँ पर माउस इस्तेमाल नहीं हुआ, वन ऑफ द माइस, वन ऑफ द माइस माइस में से एक जो है तो अपियर हुआ और मर गया, एंड द अदर अलाइव, तो दो की जब बात हो रही है तो उन्होंने कॉमन ले ली वन ऑफ द माइस, यानी दो चूहों में से, तो चूहे जब जमा हो जाएगा तो माइस, वन ऑफ द माइस अपियर टू बी डेड एंड अदर अलाइव, एक जिंदा बच गया। चेक आउट द गाइड्स टू बी बेस्ट माउस ट्रैप्स एंड हाउ टू गेट
रिड ऑफ सिल्वर फिश, कि कैसे उससे निकाला जाए, छुटकारा कैसे पाया जाए। तो गेट रिड इस तरह से इस्तेमाल आता है। माइस लिव्स इन होल ऑफ ग्राउंड्स, ग्राउंड के होल्स में रहते हैं। इट इज एनिमी ऑफ कैट, कैट का भी दुश्मन है एक हिसाब से, जब भी कैट को दिखता है उससे दौड़ती है वो। माइस हैव टू आईज, ऐसे कुछ भी आप बनाकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं माइस पर। फिर उसी तरह से अगर रेड की अगर बात की जाए, तो रेड पर शी कॉल्ड द हेल्थ इंस्पेक्टर बिकॉज शी हैड सीन अ रेड। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ वाटर वोल एंड अ रेड, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड्स आर स्मॉल क्रिएचर हुज ओरिजिन इज एशिया, दे कैन नॉट क्लाइम सो वेल। और अगर चुचुंदर अगर दिख जाए तो चुचुंदर को क्या कहेंगे, क्योंकि वो दोनों से अलग है। चुचुंदर अलग है, रेड इंसान के लिए नुकसानदायक, ह्यूमन के लिए, लेकिन चुचुंदर इंसान को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, मतलब वो चीजें नहीं खाती, वो क्या है फंगस वगैरह खाती है। उसको कहते हैं श्रेव, तो उसको श्रेव्स कहा जाएगा चुचुंदर। तो स्मॉल एनिमल होता है, एक माउस और एक लॉन्ग नोज होती है। तो कभी कभार कोई बदतमीज औरत है, उसको आप बैड टेम्पर अनप्लीजेंट वूमेन, उसको भी श्रेव कह दे सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होती है कि श्रेव जो होते हैं तो इंसानों के लिए, मतलब अ स्मॉल एनिमल लाइक माउस विथ अ लॉन्ग नोज। उसकी सिर्फ फर्क क्या होता है कि आगे चोच की तरह एक, मतलब चोच तो नहीं होती लेकिन थोड़ा सा क्या होता है उसकी लॉन्ग नोज होती है। नोज मतलब उसकी नाक आगे की तरफ बड़ी होती है। तो चुचंदर जो होती है तो वो एनिमल्स के लिए, मतलब जो दूसरे इंसेक्ट्स होती है, इंसेक्ट्स को खाती है या फिर फंगस को खाती है, लेकिन इंसानों के लिए मतलब वो अच्छा अच्छी होती है, हार्मफुल नहीं होती, बाल काफी बाल भी नहीं खाती, वो कहावत भी गलत है इस तरह से। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुचुंदर ने आई थी सर पर से गई तो बाल चले गए, ऐसा नहीं रहता, वो इंसानों से दूर ही रहती है, ज्यादा डरती है मतलब इंसान से। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है या नहीं, तो श्रेव वेनम इज नॉट डेंजरस टू ह्यूमन, डेंजरस नहीं है। बाइट कभी कभार कर सकती है, मतलब कोई सो रहे है तो उंगली को थोड़ा सा बाइट कर रही है, कुछ पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन ये सीरियस नहीं है या फिर इसमें कोई जहर नहीं है। तो ये जो है तो अच्छे से छुटका मतलब हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और उसका थोड़ा सा विजन थोड़ा कमजोर होता है लेकिन दिखता है उसको, और स्मेल भी आता है। थोड़ी सी क्लाइंबिंग वगैरह करती है, अगर वो चढ़ती है कहीं पर तो थोड़ा सा, अच्छी क्लाइंबर नहीं होती है लेकिन जिसकी दुम अच्छी होती है बड़ी, तो वो चढ़ सकती है, मतलब क्लाइंबिंग भी कर सकती है थोड़ा सा। तो वो इंटरेक्ट नहीं करती ह्यूमन से ज्यादातर, और कभी कभार क्या उसकी आवाज आती है बहुत जोरदार, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग तो उनका अकेला ही होता है कि चुचुंदर अगर आती है तो उससे मतलब बहुत दौलतमंद हो जाएंगे जहां पर दिख गई, ऐसा भी बहुत सारे मानते हैं। हाँ इस तरह से कि मतलब श्रेयस है या चुचंदर है तो वो थोड़ा सा उनके पास दौलत आ सकती है, ऐसा वो ऐसे भी बहुत सारे मानते हैं ऐसे। तो ये पॉइजनस वगैरह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पाल ले जाकर। तो सीधे से वो चला जाती है एक हिसाब से, लेकिन उसको निकलना भी, गेट रेड होना भी थोड़ा मुश्किल होता है, नॉइज वगैरह पड़ती है, और एक्टिव रहती है एक हिसाब से हर दिन। तो ये उसको हम कह सकते हैं स्मॉल एनिमल होता है रेड की तरह। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम देखेंगे।